हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख पा रहे हैं कि जो आज मैं रेमेडी लाई हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है। चावलों से अपन जो है एक हेयर टोनर बनाएंगे। हेयर टोनर इस प्रकार का होता है जो हमें चिपचिप नहीं देता, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हमें नहीं देता है। ये बहुत इजी बन जाता है, ये जल्दी से बन जाता है। तो ये मैंने बॉयल वाटर में 2-3 चम्मच चावल ले लिए हैं। आप अपने बालों की लेंथ के अनुसार ले सकते हैं। तो देखिए, चावल बालों के और स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं, ये ग्रोथ देते हैं। इसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और फोलिक एसिड्स और विटामिन ऐसे होते हैं जो बालों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रदान करते हैं, बालों को मॉइस्चर प्रदान करते हैं, है ना, और स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है और हम इस वाटर को स्ट्रेन करके इस फिर बॉटल में भरेंगे। और साथ ही जो ये बचे हुए चावल हैं इन्हें ग्राइंडर जार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे फेंकना नहीं है, तो बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। आप गूगल कर सकते हैं कि चावल हमारे बालों और स्किन के लिए कितना फायदेमंद है ना। तो वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लग रही है तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैंने ये वाटर सेपरेट कर लिया है ठंडा होने के बाद। इसको मैंने स्प्रे बोतल में डाल दिया है और इसे अब मैं फेस पे भी स्प्रे कर सकती हूँ और स्किन पे भी, सॉरी, फेस पे भी कर सकती हूँ और बालों पे भी मैं इसे स्प्रे कर सकती हूँ। तो दोनों को मैं इस प्रकार से कर सकती हूँ स्प्रे। तो ये जो है चावल में बहुत अच्छे बेनिफिट ऐसे होते हैं बालों को स्वस्थ रखने के लिए, पोषण देने के लिए, स्केल्प को क्लीन करने के लिए। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। दिन में 3 बार इसको इस्तेमाल करना है वैसे तो, लेकिन आपको आपके जैसे कि जैसा टाइम मिले वैसे कर लेना। आप एक बार तो करना ही सही, वरना कैसे रिजल्ट मिल पाएंगे इससे। तो इसी प्रकार से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है और मैं तो इसको ओवरनाइट छोड़ूंगी। और इसको इस्तेमाल करने के बाद आप ओवरनाइट ऑयल भी लगा सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी सी गुडनेस हमारे बालों को अगर मिलती रहती है, आप इसको एक मंथ तक इस्तेमाल करें। और इसको डेली नहीं बनाना है, 15 दिन में आप बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और लगाने के 3 घंटे पहले इसको निकाल के रख दें और फिर लगाएं।